और भाई क्या हालचाल, मैं अंकुर राव। भाई बिल्कुल नई गाड़ी है, देखो भारत बेंच की 5528। ये देखो 22 चक्का घोड़ा है गाड़ी है, इसमें आपको 12 आगे मिल जाते हैं और पीछे आपको 4 या 12 पीछे मिल जाते हैं, आपको 10 आगे मिल जाते हैं, 22 चक्का घोड़ा टोटल। और भारत 6 ये BS6 के अंदर आ रही है, बिल्कुल नई गाड़ी है, फेज़ 1 वाली गाड़ी है, फेज़ 2 में नहीं आई अभी गाड़ी है। इसका आपके ऊपर ओवरव्यू देता हूँ, सारी गाड़ी दिखा देता हूँ। देखो भारत बेंज की बड़ी ब्रांडिंग दे रखी है और बीच में ना काफ़ी बड़ा लोगो मिलता है भारत बेंज का। और असल में क्या था कि जो मर्सिडीज वाला लोगो है उसी को इन्होंने भारत बेंज बना दिया। इंडिया के अंदर ना इन्होंने मर्सिडीज नाम से नहीं निकाली, क्योंकि फिर क्या है कि जो मर्सिडीज की कार है, लग्जरी कार है, उनकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है अगर इसको उसमें रहे तो। हेडलैम्प इसमें सिंगल दे रखे हैं, ऊपर यहाँ DRL मिल जाते हैं, इसी का यहाँ इंडिकेटर है, बाकी 3 पीस का बड़ा बम्पर दे रखा है इस गाड़ी के अंदर ही देखिए। लेकिन ये हेडलाइट है ना, यहाँ देने की बजाय कंपनी को ऊपर देनी चाहिए, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि बम्पर वम्पर टूटते रहते हैं ट्रक वाली गाड़ियों के अंदर, और ये लाइट है ना फ्यूज जाती है या फिर मिट्टी पानी जाता रहता है जिन रस्तों पे चलती हैं गाड़ियाँ। बाकी ये देखिए यहाँ पे ना ये बाहर से लगवाया, कंपनी नहीं दिया है, इसके ऊपर आराम से आपको पायदान दे रखा है खड़ा होके शीशा वगैरह साफ करने के लिए। बाकी ये शो आगे भी से भी खुल जाती है और पीछे से जो केबिन है वो भी पूरा पूरा उठ जाता है। ऊपर यहाँ पे आपको ना देखो जो धूप वगैरह आती है तो ड्राइवर भाई को चौंधा ना लगे, उस चीज़ के लिए यहाँ पे कंपनी ने दे रखी है। देखिए ऊपर वहाँ प्रॉक्सिमिटी मिरर दे रखा है और यहाँ भी बड़े बड़े मिरर दे रखे हैं इस साइड के अंदर। यहाँ ये एयरवेंट दे रखा है, जैसे कि हवा वगैरह है उससे थोड़ा सा एरोडायनामिक डिजाइन बना रहे गाड़ी का निकलता रहे। बाकी चलो साइड की ओर दिखा देते हैं आपको, 2 पायदान यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ अपने 5528 की ब्रांडिंग यहाँ मिल जाती है। ये अपना इंडिकेटर है यहाँ पे, और नीचे टायर देख लो, इसके टायर साइज इसका दे रखा है 295/90R20 20 इंची के रेडियल टायर दे रखे हैं इस गाड़ी के अंदर। और ये चीज़ देखो आप, इसकी जो इसकी कमानी है ना, ये देखो कमानी के अंदर आपने कोई निप्पल नहीं दिखेगा, यहाँ पर डायरेक्ट सीधा नट बोल्ट लगा रखा है इसके अंदर ही देखो। तो इसमें ना कहीं पर भी आपने पूरे घोड़े के अंदर कहीं भी आपने ग्रीस करने की कोई जरूरत नहीं है इस गाड़ी के अंदर। बाकी इसके साइलेंस यहाँ पे देखो, इंजन के ऊपर ना कोई कवरिंग नहीं दे रखी, कवरिंग जरूर देनी चाहिए थी कंपनी ने यहाँ पे। बाकी उसके अलग अलग कारण हुए हैं, एक कारण यो भी हुआ है कि भाई इंजन जो है ना वो ठंडा रहे कवरिंग में रहने से, हवा लगती रहे पूरी की पूरी। बाकी इसके अंदर गैप भी बढ़िया दे रखा है तो टायर हम जल्दी से गर्माऊंगे नहीं। बाकी पीछे की साइड यहाँ पे ये प्लास्टिक का दे रखा है पूरा फाइबर PVC वाला। बाकी इसका यहाँ पे सपोर्ट बढ़िया दे रखी है इस जगह पे, देखो टूटन वूटन का डर ना है इसका कोई जल्दी से। केबिन के अंदर देखो यहाँ पे शॉकर लगा रखे हैं इस जगह पे, बाकी पूरा पूरा केबिन है वो टिल्ट वाला केबिन है। इसमें देखो जगह कितना है, गैप कितना ज़्यादा है इसके बीच में। यहाँ पर हवा की टंकी लगवा ली उन्होंने, क्योंकि पीछे जो सिस्टम लगवाया ना यहाँ पे, ये देखो जैक लगवाया इसका, पूरा सिस्टम यहाँ लगवा दिया। बाकी चेसिस के बीच में और दिखा दूँ आपने, ये देखो शाफ्ट देखो भाई इसकी, भाई इसकी शाफ्ट बहुत मोटी है, बहुत मोटी शाफ्ट है, मतलब शायद वीडियो में दिख नहीं रही होगी लेकिन इसकी बहुत बड़ी शाफ्ट है। यहाँ से इसका ट्रांसफर केस दे रखा है इस गाड़ी का। बाकी यहाँ प्रेशर टैंक देखो यहीं पर दे रखी है इसकी, एक यहाँ दे रखी है, 2 यहाँ पर दे रखी है। जो इसका जो ईट सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, वो यहाँ पर लगा रखा है, इसका पूरी पूरी कवरिंग कर रखी है। बाकी गर्मी में काफ़ी गर्म हो जाओगे, क्योंकि एक तो ब्लैक कलर का वैसे दे दिया यो, तो गर्मी गर्म वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे इसका साइलेंसर रहेगा यो नीचे की साइड में। और ये देखो पूरा पूरा इसमें बोगी सस्पेंशन दे रखा है यहाँ पे, और देखो इसकी जो कवरिंग दे रखी है यहाँ पे, इसकी कवरिंग दे रखी है यहाँ पे। देखो कहीं पर भी आपने कोई निप्पल नहीं दिखेगा, जहाँ पर आपको कर्स को ग्रीस वगैरह कर्स को कोई नहीं मिलेगा यहाँ पर आपने, बिना मतलब सूखे के उसके अंदर है आपके यहाँ पे बहुत सारे सूखे हैं। यहाँ पे आप LED लाइट मिल जाए अपन है, और उसके साथ में ये देखो बहुत बड़े यहाँ शॉक एब्जॉर्बर दे रखे हैं, ये देखो काफ़ी बड़े बड़े दे रखे हैं। और ये जैक रहा भाई इसका पूरा पूरा, भाई राड बहुत बढ़िया बनाई है, ट्रॉली बहुत बढ़िया बना के दी है गाड़ी की। ये इसके स्टेबलाइजर रे, ये देखो ट्रॉली बहुत बढ़िया दे रखी है। और भाई ये जो चीज़ होती है ना, ये क्या होती है, मतलब ट्रॉली कभी ऊपर उठा के भाई पाइप वाइप का काम करना पड़े या ट्रॉली का काम करना पड़े ना, तो इसको क्या है कि इसे सपोर्ट लगा देते हैं, तो ये ट्रॉली वहीं की वहीं रुक जाती है, ऊपर के ऊपर रुक जाती है, नीचे नहीं आती है। बाकी पीछे वाला एक्सल और दिखा देते हैं आपने, ये देखो भाई एक्सल बढ़िया बना के दिया इन्होंने, ये बॉडी बनाई है गुड़गांव बॉडी है गाड़ी, 17 लाख के अंदर ये बॉडी बनी है इसकी। और ये देखो यॉर्क के एक्सल दे रखे हैं इस गाड़ी के अंदर, यॉर्क के एक्सल लगाए हैं तीनों के तीनों पीछे वाले, बढ़िया काम करके दिया एक नंबर का। और ये देखो कमानी यहाँ पे ना, इसमें यहाँ पे 3 पट्टे दिख रहे हैं, बाकी 4-4 कमानी दे रखी है, बताओ कमानी जो ऊपर वाली मेन कमानी है वो सारी की सारी। बाकी पूरी बॉडी काफ़ी अच्छी बॉडी बना के दी भाई, बढ़िया काम कर रखा है। अच्छा अच्छा ये देखो यॉर्क की ब्रांडिंग यहाँ मिल जाओगी आपने, यॉर्क के एक्सल लगा रखे हैं, मतलब कि हैवी काम कर रखा है, बढ़िया क्वालिटी का काम कर रखा है, कोई भी लोकल काम नहीं कर रखा गाड़ी के अंदर। ब्रेक कूपे देख लो भाई आप इसके अंदर, YTE के ब्रेक कूपे दे रखे हैं वेबको कंपनी का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब बढ़िया काम करके दिया है। और ये देखो ये यहाँ पर भाई ट्रॉली ने कहा कि ट्रॉली छोड़ने के लिए ना स्टेबलाइजर है नीचे छोड़ने रहे हैं, तो ये देखो ये हुआ है, इससे इसने घुमाओगे तो ये नीचे छोड़ दे यहाँ पे। बाकी इसका लगाने का यहाँ सिस्टम दे रखा है, निकलेगा नहीं इसके अंदर, अपने आप से नहीं निकल सकता इसमें से, वो कुछ इस तरह का सिस्टम देखने का मिल जाओ आपने। ये देखो येलो कलर की बढ़िया बॉडी बना कर दी है, बढ़िया रीइन्फोर्समेंट दे रखा है, देखो कितना अच्छा अच्छा रीइन्फोर्समेंट है इसके अंदर, बढ़िया
बहुत हैवी बॉडी है, 3M की टेप लगा रखी है पासिंग गाड़ी के लिए, यहाँ पे एक सीढ़ी लगा के दे रखी है देखो चढ़ के देखने के लिए, और आइवा कंपनी का अपन जैक मिल ही जावे इसके अंदर। ये देखो वंदना भाई इन्होंने बनाई है, जो भाई कहाँ पे है, ये अपने गुड़गांव के अंदर है। बाकी डीजल टैंक देख लो इसका, 380 लीटर का डीजल टैंक आता है इसके अंदर, लोहे वाला दे रखा है इसके अंदर, मेटल वाला, फाइबर वाला नहीं है, और उसके साथ यहाँ पे एड ब्लू दे रखा है यहाँ पे, और जैक ठाण के लिए यहाँ पे जैक दे रखा है, बैटरी यहाँ दे रखी है। बाकी इस पर कवरिंग वगैरह करवानी पड़ेगी भाई, ऐसे खुले में बैटरी तो रख छोड़ नहीं सकते इस जगह के ऊपर, यहाँ कवरिंग वगैरह करनी पड़ेगी। स्टेयरिंग ऑयल यहाँ पर डल जाओ अपना, और एयर फिल्टर ये रहेगा यहाँ से हवा ले भाई यहाँ जाओ। और ये देखो ये केबिन के दे रखी है, केबिन के अंदर ना उमस ना बने वो ना बने, केबिन की हवा बाहर निकलने के लिए यहाँ पर जगह दे रखी है। और इसमें साइड और दिखा दूँ आपने, तो ये देखो जो इसका जो वाटर सेपरेटर है ना, ये देखो भाई इसी कवरिंग कर रखी है, ये बढ़िया काम कर दिया कंपनी ने, अच्छा काम कर रखा है। अब इसमें मिट्टी विट्टी जाकर मतलब खराब हो कर ना, इसमें गंदगी वंदगी ना लगेगी, बात यह ऐसी दीजिए कवरिंग बढ़िया कर रखी है। बाकी शॉक अब्जॉर्बर रहे, यहाँ से भी इंजन की ना कोई कवरिंग नहीं रखी, सारा इंजन खाली दे रखा है यहाँ पे। और भारत बेंज के इंजन की बात कर लूँ तो भाई 6 सिलेंडर का ना 7200 cc का इंजन आ भाई, जो कि लगभग 280 हॉर्स पावर देगा आपने, और भाई लगभग 1150 Nm का टॉर्क मिल जाओ उसे, तो गाड़ी में जान बोझता है, गाड़ी में जान में आपने कोई कमी नहीं लगेगी, कि कितनी चढ़ाई हो कुछ भी हो गाड़ी खूब बढ़िया उठेगी। और बाकी भारत बेंज के इंजन का सब नहीं बेरा भाई, एक नंबर के इंजन हो। चलो अंदर की ओर दिखाता हूँ गाड़ी आपने, बाकी देखो साइड में यहाँ पे आपने कोई भी ना शीशा उतारन चढ़ाने का वो नहीं मिलेगा, हैंडल नहीं मिलेगा, क्योंकि पावर के अंदर है बिल्कुल। ये देखो स्विच से ऊपर हुआ है, स्विच से नीचे हुआ है, ये देखो वो भाई कर रहे हैं बिल्कुल, सबसे ज़्यादा लग्जरी केबिन कोई बना रही है गाड़ी इंडिया में फिलहाल, वो बना रही है भारत बेंज। और ये देखो सीट देखो इसकी, एयर सस्पेंशन वाली सीट दे रखी है पूरी की पूरी, अपने आप एडजस्ट करे से आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, अपने आप ऊपर हो जाओ अपने आप नीचे हो जाओ, ची कैसे धोची आओ चिकी में भी आओ, आपने महसूस नहीं होने दी गाड़ी बिल्कुल भी। और बड़े बड़े ग्रैब हैंडल दे रखे हैं आराम से चढ़ने के लिए, ये देखो, और सीट देखो भाई एक नंबर कपड़ा दे रखा है, देखो बिल्कुल टॉप क्वालिटी वाली, जो मतलब सबसे लग्जरी गाड़ी हमारे वही सीट दे रखी है। पीछे यहाँ पे देखो स्लीपर केबिन दे रखा है, बड़ा स्लीपर केबिन, आराम से 6-6.5 फुट का बंदा भी है वो आराम से सो सके इसके अंदर। बाकी ऊपर सारी बॉडी पे कपड़ा लगा रखा है यहाँ पे, और बैठ के देखा अब एक सद्दाम बुला लिया, देखो भारत बेंज का स्टीयरिंग भाई देखो बिल बीच के अंदर लोगों दे रखा है, फोर स्पोक का है। बाकी पूरा डैशबोर्ड की लुक देख लो, डैशबोर्ड एक नंबर का है इसका, एसी के कंट्रोल दे रखे हैं, एसी एयर कंडीशन गाड़ी है, और ये यहाँ पे देखो विंडोज के कंट्रोल है नीचे डाउन अप करने के, ये देखो ये देखो ये ऊपर हो गई, ये नीचे हो गई, और ड्राइवर साइड की विंडो के लिए ये वाले स्विच है। बाकी 4x4 का D6x4 है तो उसको एंगेज करने का यहाँ पे सिस्टम दे रखे, आप 6x4 भी लगा सको और 6x2 में भी चला सको, एयर कंडीशनिंग सिस्टम दे रखा है बढ़िया तरीके से, यहाँ पे सामान वगैरह रख सको सो आप, ऊपर आपने म्यूजिक सिस्टम दे रखा है यहाँ पे, स्पीकर यहाँ लगा रखे हैं, बाकी सामान वामान रखने के लिए यहाँ जगह दे रखी है। और भाई सबसे बढ़िया सिस्टम देखो भाई, ड्राइवर भाई ने बहुत लंबा लंबा रूट चलाने पड़े हैं, गाड़ी बहुत दूर दूर लेके जानी पड़े से, तो भाई नींद भी आ जाओ सर, लेकिन भाई ट्रक आपने नींद नहीं आने देगा। देखो एक तो यहाँ पे सेंसर लगा रखा है और दूसरा यहाँ पे सेंसर लगा रखा है, ये सेंसर मतलब आप थोड़ा सा हिलो डुलोगे ऐसे मतलब स्टेबल नहीं रहोगे ना, तो आपने चेक कर लेगा और चेक करके मालिक के पास में मैसेज भेज देगा कि भाई गाड़ी वो है, और गाड़ी भी खड़ी हो जाओ, गाड़ी चलेगी नहीं आपकी। यहीं पर आपने क्रूज कंट्रोल मिल जाए, ये देखो लाइट कंट्रोल, बाकी मीटर देख लो भाई इसका, इस तरह का कुछ मीटर दिखा है डार्क कलर का, 120 यहाँ पे ये स्पीड मीटर है, RPM हो गया, यहाँ प्रेशर बार होगी, यहाँ पे डीजल का हो गया, बीच में आप मीटर दे रखे हैं, यहाँ पे आपने किलोमीटर वगैरह दिखा देगा, गाड़ी की ट्रिप दिखा देगा, माइलेज दिखा देगा, गाड़ी कौन से गियर में चल रही है, आपके गियर शिफ्ट एडवाइजर भी है भाई, डाउन गियर में चल रही है, हाई गियर में चल रही है, आपने डाउन मारना है ऊपर चढ़ाना है, सारी चीज दिखाओगे इस गाड़ी के अंदर। तो यह थी भाई गाड़ी, बाकी इसके अंदर आपको गियर सिस्टम और दिखा दूं, ये देखो इसमें टोटल 10 गियर दे रखे हैं, 8 फॉरवर्ड है, क्रॉलर भी दे रखे हैं, और साथ एक रिवर्स गियर दे रखे हैं, तो गाड़ी के अंदर मतलब चाहिए भले ही खड़ी चढ़ाई हो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं आवे। बाकी मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर सॉकेट दे रखा है, उसके अलावा यहाँ USB सॉकेट भी दे रखा है, दोनों सॉकेट दे रखे हैं, जिस तमर जाओ करो, बाकी एग्जॉस्ट ब्रेक है, AC है, सारी चीज है, कंपनी ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी। तो भाई यह थी गाड़ी भारत बेंज 5528, इसका जो ऑन रोड रेट पड़ा है ना सिर्फ घोड़े घोड़े का वो पड़ा है 40 लाख रुपए का, जिसमें इंश्योरेंस वगैरह भी आ गया, सब कुछ आ गया, और जो ट्रॉली पड़ी है वो पड़ी है 17 लाख रुपए की, टोटल 57 लाख रुपए की गाड़ी पड़ी है। तो कैसी लगी आपने गाड़ी कमेंट में बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।